यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। प्रश्न नंबर सात प्रश्नावली 7.2। सवाल नंबर पहला, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी है राइट हैंड साइड। साइन 65, तो इसका हल इस प्रकार होगा। देखो साइन 65 लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन 65 प्लस कोज 25 डिग्री। राइट हैंड साइड बोला 2 कोज 25 करना है, तो देखो आप 65 प्लस 25 बराबर 90। दोनों न्यून कौन है, 65 चाहिए नहीं इसको। साइन 65 90 माइनस 25 प्लस कोज 25। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो गया कोज 25 प्लस कोज 25। कोज 25 और कोज 25 हो गया 2 कोज 25 बराबर 2 कोज 25 बराबर आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया। साइन 65 प्लस कोज 25 बराबर 2 कोज 25। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन 65 प्लस कोज 25। 65 और 25 दोनों पूर्व कोण है, दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूर्व है, दोनों कोणों की 90 डिग्री है, तो साइन 65 चाहिए नहीं। साइन 65 की जगह साइन 90 माइनस 25 प्लस कोज 25, साइन 90 माइनस थीटा कोज थीटा, कोज 25 और कोज 25 2 कोज 25। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड साइड आ गया। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके राइट हैंड साइड, तो इसका हल देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन। कोज 70 और साइन 20 प्लस कोज 59 साइन 31 साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो कोस 70 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोस 90 माइनस 17 आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन 20 प्लस कोस 59 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 31 अपॉन साइन माइनस 8 साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसका यूज करेंगे अपन। कॉस 90 माइनस 20 यानी साइन 20 साइन 20 प्लस कोज 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा अपने पास साइन में, तो ये आ गया अपने पास साइन 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 दो का वर्ग हो गया 4। सेम संख्या कट गई 1, सेम संख्या कट गई 1, 4 का 8 और भाग गया 2 बार 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 बराबर आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गई, कोस 70 प्लस कोस 70 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। 70 को लिखा है मैंने कोस 90 माइनस 20, 59 को लिखा है कोस 90 माइनस 31। कोस चेंज हुआ साइन में और ये को चेंज हुआ साइन में। साइन 30 का मान है अपने पास 1/2, सेम संख्या कट गई, सेम संख्या कट गई, 4 का 8 भाग गया 2, 1 1 माइनस 2 2 में से 2 हो गया 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गई अपने पास। सवाल नंबर 8, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है
भुजिया आपके है राइट हैंड साइड, इसका हाल इस प्रकार है। देखो साइन 35, साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55, इसी एक साइड को चेंज करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो 35 प्लस 55 दोनों एक दूसरे के पूरे कोण है 90, साइन 35 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 55 और साइन 55 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 35 माइनस कॉस 35 कॉस 55 साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है कॉस 55 कॉस 35 माइनस कॉस 35 और कॉस 55। तो उसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कॉस 35 कॉस 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55, सेम संख्या से सेम संख्या चली गई, बराबर बच गया जीरो। ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आई अपने साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55 बराबर जीरो। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 और कॉस 55, 35 प्लस 55 90, साइन 90 माइनस 55 साइन 90 माइनस 35 माइनस कॉस 35 माइनस कॉस 55, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 55, ये हो गया कॉस 35 माइनस कॉस 35 और कॉस 55। उसको मैंने आगे पीछे किया, 35 को आगे 55 को पीछे किया, सेम संख्या कट गई, क्या आ गया जीरो। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत छोटे प्रश्न है। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला आने चाहिए, साइन डिब्बे माइनस थीटा कोस थीटा इस टाइप के आने चाहिए, कोस डिब्बे माइनस थीटा साइन थीटा इस टाइप कन्वर्ट करना चाहिए, टेन कोट में कोट टेन में सेक कोसेक में कोसेक सेक में। प्रश्न नंबर 10 7.2 का लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके हैं और ये आपके हैं राइट हैंड, इसका हल इस प्रकार। देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा अपने साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन हो गया कॉस थीटा में चेंज और कॉस हो गया आपके साइन थीटा में चेंज, राइट हैंड साइड टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा सेक स्क्वायर किया तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैंने भाग दिया साइन थीटा कॉस थीटा बोले कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग दिया कट गया, बराबर आ गया अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपके प्रूफ हो गया। साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस नब्बे माइनस, साइन नब्बे माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस नब्बे माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अंश में गया कोच स्क्वायर हुआ, कोच स्क्वायर मैंने कोस थीटा इनटू कोस थीटा हर में कोस थीटा का भाग दे दिया, कोस से कोस चला गया साइन थीटा कोस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड मान बराबर आया है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके है राइट हैंड साइड, हल लेफ्ट हैंड साइड कोस नब्बे माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा और कोस स्क्वायर नब्बे माइनस थीटा कोस नब्बे माइनस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में और टेन थीटा बराबर लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिख रहा हूँ मैं। दो सूत्र का यूज, कोस चेंज हो गया अपने साइन में कोस थीटा और ये हो गया अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस, ये साइन से साइन चला गया, कोस स्क्वायर की जगह आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और ये कोस थीटा चला गया अंश में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोज को कोज से गुणा किया कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह है अपने पास, यह है अपने पास। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, एक तो ये बराबर आ गया अपने पास एक, ये आ गया राइट हैंड साइड कोज नब्बे माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर नब्बे माइनस थीटा, कोस नब्बे माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा कोस स्क्वायर नब्बे माइनस थीटा, कोस नब्बे माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा को चेंज हो गया साइन में गुणा कोस, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस, साइन से साइन चला गया हर में कोस है कहाँ चला गया अंश में कोस इंटू कोस साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस गुणा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मान होता है एक, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आपके आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आपके आ गई। अच्छा पर्सन है, बहुत ही बढ़िया पर्सन है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड आएगी और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया, और कभी कभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ये चलते राइट हैंड साइड आ जाती है, इसमें इसमें अपन ये रखेंगे तो भी इसका मान आ जाएगा, उसका इसमें दोनों मान अलग अलग है इसलिए इसके मान दोनों के अलग अलग आए। प्रश्न नंबर 12, सिद्ध कीजिए टेन नब्बे माइनस थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, तो ये आपके है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके है राइट हैंड साइड। तो अभी हल करते हैं, देखो इसको टेन नब्बे माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, तो ये हो गया कोट थीटा इंटू कोट थीटा और ये आपके हो गए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
कोसाइन थीटा बराबर होता है 1/4 साइन थीटा। देखो आप कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर गया कोस स्क्वायर थीटा, यह बचा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गई अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, अच्छा पर्सन है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चली थी और राइट हैंड साइड अपने पास आ गई है। पर्सन नंबर 13, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देखो आप पर्सन हल लेफ्ट हैंड साइड कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 10 90 माइनस थीटा, लेफ्ट साइड है तो कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में और साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा तो ये कोस की जगह आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, साइन की जगह आ जाएगा कोस थीटा, टेन की जगह आ जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा इनटू साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा चला गया, साइन थीटा इनटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। पर्सन नंबर 15 साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहां 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखो आप यहां हल करते अपन साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक। तो देखो आप कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा थीटा की जगह 3 थीटा है, कॉस 90 माइनस 3 थीटा कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये कॉस और ये भी कॉस है, ये कॉस ये भी कॉस है, ये कोण ये भी कोण, इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री, ये 90 प्लस 6 डिग्री माइनस उधर के प्लस के 6 डिग्री थीटा प्लस 3 थीटा, 90 और 6 हो गए 90 डिग्री, थीटा और 3 थीटा थीटा और 3 थीटा है 4 थीटा, ठीक, थीटा और 3 थीटा 4 थीटा है, थीटा का मान चाहिए मुझे 96 डिग्री, मैं 4 का भाग दिया मैंने, थीटा बराबर 2 4 चौक
24 डिग्री, कितना मान है थीटा का मान 24 डिग्री। वापस समझो आप, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, साइन को चेंज करूं मैं कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 3 थीटा, तो इसको मैंने साइन थीटा को लिखा कॉस 90 माइनस 3 थीटा, वापस आ जाएगा साइन थीटा, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह मैंने लिखा कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ये भी कोज है, ये भी कोज है, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री, 90 प्लस 6 डिग्री, 90 प्लस 6 डिग्री, ये थीटा माइनस के इधर गया प्लस का 3 थीटा, थीटा और 3 थीटा हो गया 4 थीटा, 96 डिग्री थीटा, 96 में मैंने 4 का भाग दिया 24 डिग्री, थीटा का मान आ गया 24 डिग्री। sec 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो, देखो आप sec 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, sec cosec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर है सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर है सेक थीटा, इस तो यहाँ थीटा की जगह 5 थीटा, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ये कोसेक है और ये भी कोसेक है, 90 माइनस 5 थीटा, थीटा माइनस 36 डिग्री, ये 90 प्लस ये माइनस के 36 उधर जाते होंगे प्लस के 36, थीटा प्लस माइनस के 5 इधर आते होंगे प्लस के 5 थीटा, 90 और 36 6 12 126, 90 प्लस 36 126, थीटा और 5 थीटा 6 थीटा बराबर, मुझे चाहिए थीटा का मान 126 पॉइंट 6, 6 का भाग 12 हो गया 2 बार, ये 1, थीटा बराबर आ गया अपने पास 21 डिग्री, कितना आ गया 21 डिग्री। वापस समझो sec 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है ना, तो आप देखो 5 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो, 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो sec थीटा को लिखा मैंने cosec 90 माइनस 5 थीटा, ये sec है, sec थीटा की जगह कितना 5 थीटा, तो sec को मैंने लिया cosec 90 माइनस 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36, ये cosec है, ये cosec मान बराबर है तभी होगा जब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 ये बराबर होंगे, 90 माइनस के 36 उधर गया प्लस का 36, थीटा माइनस के 5 थीटा इधर प्लस के 5 थीटा, थीटा और 5 थीटा 6 थीटा, मैंने 5 और एक 6 थीटा, 6 का मैंने लगा दिया 126 में भाग, 6 का 12 में भाग गया 2 बार, 6 में गया 1 बार, थीटा बराबर 21, ये आपके थीटा का मान आ गया 21 डिग्री, ये आपके पर्सन है, साइन का करा दिया आपको कोसेक का, आप बचा है टेन का, एक टेन का है वो टेन का करा देते हैं आपको सवाल,